नोएडा में भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद उस जगह का क्या होगा, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है। मगर खुद अब सुपरटेक ने बताया है कि ट्विन टावर वाली जमीन का अब किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। दरअसल सुपरटेक लिमिटेड ने कहा है कि ध्वस्त किए गए ट्विन टावर कंपनी के थे और नोएडा प्राधिकरण से उचित मंजूरी मिलने और एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के घर खरीदों से सहमति के बाद उस जमीन का एक अन्य आवासीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क भी बनाया जाएगा जिसमें हरियाली का खासा ख्याल रखा जाएगा। RWA ने मीटिंग कर इस बात पर फैसला लेने की बात की है और ये भी कहा है कि सोसाइटी वासियों की भी यही मर्जी है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक सुपरटेक के एमराल्ड टावर का हैंडओवर सोसाइटी को नहीं हुआ है, अभी भी मालिकाना हक बिल्डर का है। अगर बिल्डर वहां पर किसी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे 2/3 सोसाइटी वालों की सहमति लेनी होगी। RWA के लोगों का कहना है कि सोसाइटी वाले पूरी तरह से RWA के साथ है, अगर इस पर फिर से कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो तैयार रहेंगे। सोसाइटी की तरफ से वहाँ एक हरे भरे पार्क और एक भव्य मंदिर के लिए पहले से योजना बनाकर रखी गई है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पार्क बनाया जाएगा इसमें सबसे ज्यादा हरियाली रहे ताकि बच्चों को खेलने के साथ साथ बुजुर्गों को बैठने और टहलने के लिए एक उचित स्थान मिले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने के लिए इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। इमारत के करीब 70 मीटर दूर रिमोट रखा गया था। दोपहर के ठीक 2:30 बजे रिमोट की बटन दबाई गई थी और तेज धमाके के साथ पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। इसके बाद कई मीटर तक धूल का गुबार छा गया था। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।